हे सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। रैपकार्ट की तरफ से हमें भेजा गया है, मोबाइल के पीछे का स्टिकर्स भेजे गए हैं, मोबाइल के बैक पर स्टिकर लगाए जाते हैं वो स्टिकर भेजे गए हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा रैपकार्ट की कंपनी को, क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट रिव्यू यूनिट दे दी हमारे चैनल की। और हमारी ऑडियंस को भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद थैंक यू कहना चाहूँगा, और क्योंकि उनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। तो चलिए आज इसके अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके और वो क्लियर स्लाइड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ हमें भेजा गया है ये रैपकार्ट की कंपनी की ओर से, आप देख सकते हैं थोड़ा फोकस अभी हमने कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैपकार्ट को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा, उन्होंने हमारे चैनल के फर्स्ट रिव्यू यूनिट हमें दे दी है। तो हमारी ऑडियंस को भी मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये हमें ये रिव्यू यूनिट मिल सकी है या उनकी वजह से ये सब कुछ हो सका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो अभी इसको हम यहाँ से कर लेता हूँ जल्दी से, कट जल्दी से हो जाएगा कट, अभी एक मिनट का टाइम लग रहा है इसमें कटवाने में। रैपकार्ट का सामान ना कट जाए, बाकी तो कुछ ही कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो इतने ऊंचाई पर सामान नहीं आता है। तो चलते सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पर एक देख सकते हैं पैकेट मिलता है एक, इसमें देखते हैं कुछ और सामान तो हमें देखने को नहीं मिलता है, इसमें हमें कुछ भी सामान और देखने को नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं खाली है। और यहाँ पर ये हमें पैकेट मिलता है, इसमें ही हमारा जो मेन चीज़ है वो है। तो देखते हैं क्या क्या हमें आगे देखने को मिलता है इसमें अंदर। तो जैसे ही हमने इसको निकाला, चलिए ये तो ख़त्म हो चुका है, ये भेजा है हमें रैपकार्ट की ओर से हमें ये भेजा गया है। तो अभी हमको एक पॉलीथीन देखने को मिलती है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया है, तो अभी यहाँ पर मैं बाहर निकालता हूँ, तो देखते हैं कितने क्या क्या इसमें सिस्टम उन्होंने भेजा हुआ है। ये देख सकते हैं ये मेन चीज़ उन्होंने ये हमें भेजी है, ये हमारे मोबाइल के बैक पर लग जाएगा सैमसंग के गैलेक्सी M50 और गैलेक्सी J7 प्राइम पर लग जाएगा। और ये देख सकते हैं ये यहाँ पर एक बताऊंगा इसका भी मैं आगे चलकर वीडियो में क्या काम है इसका। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर टिप्स स्टार्ट अप्लाई टिप्स दिए हैं इन्होंने यहाँ पर कुछ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका भी आप यूज़ कर सकते हो इन टिप्स का भी। इसको मैं साइड में रखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका प्ले स्टोर पर भी एक इनका एप्लीकेशन है, और इनकी एक वेबसाइट है rapkart.com, और इंस्टाग्राम पर भी रैपकार्ट के नाम से इनका अकाउंट है, फेसबुक पर भी इनका अकाउंट रैपकार्ट के नाम से है। तो आप वहाँ से इसको उनसे परचेज कर सकते हो। स्किन है देखिए, रैपकार्ट स्किन अवेलेबल फॉर, देखिए कुछ इस टाइप की आपको स्किन देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। ये यहाँ पर बहुत अच्छा हमें स्किन हमें भेजा गया है रैपकार्ट की तरफ से, और मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा रैपकार्ट को। और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है क्या, वॉच हाउ टू अप्लाई मोबाइल स्किन वीडियोस ऑन यूट्यूब, हाउ टू अप्लाई मोबाइल स्किन वीडियोस ऑन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से हमें ये अप्लाई करना है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का पीछे से जो लुक है वो इतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अभी जैसे हम इसको ऐसे हटाते हैं वो भी आप लुक इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता, फिर भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लुक देखने को मिलता है सैमसंग की ब्रांड की तरफ से ये J7 Prime का। फिर भी हमें इस पर बैक कवर पर ये नहीं चाहिए ब्रांडिंग कुछ भी नहीं देखना है, तो हमें ये चिपका ये लगाना इस पर ज़रूरी है, बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये भेजते हैं पूरे का पूरा कवर का भेजते हैं ये यहाँ पर पूरे कवर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं किस टाइप से इन्होंने भेजा हुआ है यहाँ पर, कि ये कैमरा है, फ्लैश लाइट है, यहाँ पर वॉल्यूम रोकर है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिम कार्ड के लिए
दिया गया है यहाँ पर भी सिम कार्ड के लिए, और यहाँ पर दिया गया है नीचे यहाँ पर भी तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे अप्लाई होने वाला है। इसको सिंपली आपको कुछ इस तरीके से हटा लेना है, मैं जैसे कि हटा रहा हूँ, अच्छी तरीके से आपको हटाना है बिल्कुल। पहले एक 1 मिनट वेट करना होगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें यार इसका क्या वर्क है अभी भी आप पूछ रहे होंगे। तो इससे आप अपने मोबाइल को अच्छे तरीके से साफ करना है, इससे पहले जब आप इसको लगाने जाओगे उससे पहले आपको अपने मोबाइल को क्लीन करना है इससे अच्छे तरीके से, जिससे कि आपके मोबाइल पर कोई भी गर्दा नहीं लगा रह जाए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको उतारते हैं जल्दी से, थोड़ा साइड से पकड़ दिएगा अगर आपने मंगा लिया है, और अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम का इनके, तो उस पर जाके आप इनसे कॉन्टेक्ट करके ये मंगा सकते हैं। कुछ चार्जेस जो इनके होंगे वो आपसे पे करवा लेंगे, बाकी आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर कैसे इसको फिट करना है, आपको अच्छी तरीके से कैसे लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा के हिसाब से आपको ज़्यादा लगाना होगा इसकी जो दम से ये यहाँ पर चिपक जाता है, अच्छी तरीके से चिपकाना होगा। यहाँ पर अच्छा रहेगा, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से, और ऐसे एकदम से आपको नहीं चिपकाना है, आराम से आपको ऊपर से लेकर चलना है। देखते हैं मैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से आपका ये यहाँ पर हो जाएगा, तो इससे आपको कुछ इस टाइप से भी आपको करके चलना है। आपने कुछ इस टाइप से कर लिया तो इसके बाद आपको क्या करना है देख सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई भी आपको हवा देखने को ना मिले इसके अंदर, इस वजह से भी ये दिया गया है जिससे कि इसे आप अच्छी तरीके से अपने मोबाइल पर स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। अब इसको आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से फिट कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर को ऊपर की ओर इसको अच्छी तरीके से आपको फिट कर लेना है। मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से फिट कर लिया है, और इस साइड भी आपको अब अच्छी तरीके से फिट करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इससे पहले आपको अपने मोबाइल को मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना, क्योंकि उससे आपके बटन नहीं क्लिक होंगे, दबेंगे नहीं। मैंने तो स्विच ऑफ नहीं किया है, आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ, थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको सामने में इसको सेटअप करने वाला हूँ। बहुत तेज़ी से इसको सेटअप करना होगा मुझे। गाइज आप ये वीडियो देखते बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए वीडियो, मैं इस वजह से तेज़ी से इसको सेटअप कर रहा हूँ। और ये फिर से ओपन हो जाएगा, इसको मैं एक बार स्विच ऑफ कर लेता हूँ। मैंने इस वक्त इसको पावर ऑफ कर लिया है, और अब अच्छा रहेगा पावर ऑफ। यहाँ पर आपको मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आप इसको यहाँ से अच्छी तरीके से सेट करना, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम रोकर्स हैं ना वो अभी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर तो वॉल्यूम रोकर और इसकी जो थिकनेस है वो अच्छी नहीं है, ये थोड़ा मोटा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने अच्छी तरीके से इसको पहले सेट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर इस ऊपर से इसको ऐसे लेके जाना है, ऊपर से जाना है इसको अच्छी तरीके से आपको सेट कर लेना है, इतनी अच्छी तरीके से आपको सेट करना है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना देखने को मिले। देख सकते हैं कितना अच्छा कवर देख रहा हूँ, कवर के टाइप का आपको देखने को लग रहा है ये। और अब आपको यहाँ पर फिर से इसी टाइप से आपको फिट करना है इसको, थोड़ा गलत हो गया, अभी पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइड से स्टार्ट करते हैं। मैं भाई इससे अच्छी तरीके से सेट करके चेक करता हूँ, वो यहाँ से इसको ऐसे कर लेना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर रह गया, देखिए इसको अच्छी तरीके से चिपका देना है, यहाँ पर भी रह रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे है ना, तो इसके लिए ये है, इससे आपको इसे अच्छी तरीके से दबाव देकर करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मेरा हो चुका है यहाँ पर अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ, एक बार साई
तरफ से मैं एक बार इसको अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। वीडियो ज़्यादा भी लंबी ना हो जाए, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से हम यहाँ पर फिट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर सेट कर लिया है, देख सकते हैं। और अब आप बैक का लुक देख सकते हैं, साइड का लुक देख सकते हैं, और यहाँ पर साइड का लुक देख सकते हैं, हमारे मोबाइल का नीचे से लुक देख सकते हैं, ऊपर से लुक देख सकते हैं। क्या अच्छा लुक आ रहा है, आप जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पर जो ये कॉर्नर होते हैं ना मोबाइल के, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दबाव देना होगा क्योंकि भाई उससे थोड़ा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, वरना यहाँ पर थोड़ा जो बबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे थोड़े। आपको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा, पर फोकस करते हैं, देख सकते हैं आप, फोकस देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। मैंने इसको अच्छी तरीके से सेटअप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसके ऊपर एक अपना जो कवर है उसको भी लगाकर दिखा देता हूँ। और यार ये गलत लग गया है, दिखा देता हूँ मैं एक बार। कवर लगकर भी आपको ये कितना अच्छा लुक दे रहा है, देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप मतलब बिना विदाउट कवर इसको यूज़ करते हो, अरे तो उतर गया मेरे से, चलिए दोबारा से उतर जाएगा, क्योंकि भाई कवर बहुत ही ज़्यादा यहाँ से खुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ये वाला कवर जो मैंने लिया है, इसमें परचेज़ कर रखा है, जो इसमें उतरने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो अभी हमारा मोबाइल बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटअप हो चुका है। अब आप इसका लुक आगे देख सकते हो, देख लीजिएगा, कैमरा भी आप देख सकते हो उसका कितना अच्छा देखने को मिल रहा है आपको।